मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 9 सुदामा चरित के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुकुल में सुदामा श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र थे। समय के साथ ही श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं, किंतु सुदामा गरीब ब्राह्मण भिक्षा द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता है। किंतु सुदामा श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तो सुदामा का भावपूर्ण अति सत्कार करके उनकी निर्धनता को संपन्नता में बदल कर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की उदारता तथा प्रेम का परिचय दिया है। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु, आठो जाम यही छग तेरा। जो न कहूँ करिए तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया तहाँ, भूपति जान न पावत नेरे। पांच सुपारी तै देख विचारी के विचार के, भेड़ को चारी न चावर मेरे। अब इसको मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ। सुदामा की पत्नी बार बार सुदामा से द्वारका जाने के लिए जिद करती है। वह कहती है कि श्री कृष्ण तुम्हारे परम मित्र हैं, उनके पास जाओ। इस समय हम बहुत तकलीफ में हैं, ऐसे समय में यदि तुम उनके पास नहीं जाते तो हमें बहुत दुख होगा। उन्हें छोड़कर आप किसके पास जाएंगे? इस पर सुदामा कहते हैं कि प्रभु के महल के बाहर उनके द्वारपाल खड़े होंगे। राजा को तो हमारे आने की सूचना भी नहीं मिलेगी, फिर हमें उन्हें भेंट देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी तो नहीं है। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपायन पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्वि दुर्बल एक, रहियो चकिसो वी रामा। पूछत दीन दयालुक धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अब इस पैरों को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण किसी प्रकार द्वारका पहुँच जाते हैं। द्वारपाल उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और महल के अंदर जाकर वह श्री कृष्ण से सुदामा के बारे में बताते हुए कहता है कि हे प्रभु, एक व्यक्ति बाहर आया है। उसके सर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर वस्त्र है। पता नहीं वह किस गांव से आया है। उसकी धोती फटकर उसके शरीर में से लिपटी हुई है। दरवाजे पर खड़ा होकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर इस सुंदर महल को देख रहा है। वह दिनों के रक्षक श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे भी हाल विवान सो, पग कंटक जाल लगे अपनी जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आई तय न कि तय दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करिके करुणा निध रोए। पानी परा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हुए तो। अब प्रभु श्री कृष्ण परात में पानी मंगवा कर सुदामा के कांटों से भरे हुए पैरों को धोने के लिए बैठते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतने दिन कष्ट बिताए किंतु मेरे पास नहीं आए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु जल बहने लगते हैं। उन्होंने परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने नेत्रों से बहने वाले जल से ही सुदामा के पैरों को धोए। पैर धुलने के पश्चात श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने हमें भेंट में कुछ दिया है किंतु तुम उसे हमें नहीं दे रहे हो। उस पोटली को तुमने अपनी बगल में किस कारण छिपा रखा है? आगे चना गुरु मात दे ते लये, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पोटरी कांख में चाप रहे तुम,
खोलत ना ही सुधारस भी ने पाछली बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। भेंट स्वरूप चावल न देने पर श्री कृष्ण उलाना देते हुए कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु माता ने हमें खाने के लिए चना दिया था, उस समय भी तुम उसे अकेले ही खा गए थे और हमें नहीं दिया था। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम बहुत निपुण हो, इसलिए भाभी के दिए हुए पोटली को बगल में दबाए हो और अमृत से भरे हुए उस भेंट को नहीं खोल रहे हो। तुमने अपनी पिछली चोरी की आदत को आज भी नहीं छोड़ा है, इसलिए भाभी के द्वारा दिए गए चावल को तुमने छिपा लिया है। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की काछ न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हम आवत नाही हो तो वही पठियो ठेली अब कहियो समझाए के बहुत धन धरो सकेली। जब सुदामा श्री कृष्ण से अपने द्वारका से अपने घर जाने लगते हैं उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया, जिससे सुदामा नाराज होकर मन में विचार करते हैं कि इतने प्यार से उठ कर मिलना इतना आदर सत्कार करना सब दिखावा था। मेरी पत्नी ने ही जबरदस्ती मुझे श्री कृष्ण के पास भेजा था, उसे उनके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। थोड़ी सी दही के लिए मैं घर घर हाथ फैलाकर मांगता था, आज मुझे श्री कृष्ण के महल से क्या मिल गया है, मैं तो यहाँ आता ही नहीं था। मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा था, अब मैं उसको से समझा कर कहूँगा कि श्री कृष्ण ने मुझे बहुत धन दिया है, उसे संभाल कर रख लो। वैसो ही सराज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो कैं तो प्रयोग कह मारग बोली कि फैरी कि मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलोक बिला की वे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो। पूछत पांडे फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जब सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं तो वहां के महलों राजाओं जैसे ठाट बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं रास्ता भूल गया था और घूम कर फिर से द्वारका आ गया हूँ। महलों को और देखकर वे सोचते हैं कि सारे गांव के लोग कहाँ चले गए। सुदामा सभी से अपनी झोपड़ी के बारे पूछते हैं किंतु वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही नहाती कहाँ लय गज राजा हो ठाड़े महावत। भूमि कठोरे पर रात कटे तहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत। कह जुरतो नहीं कोदो समा प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। सुदामा अपने घर के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि यहाँ मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी किंतु अब यहाँ सुंदर सोने का महल है। मेरे घर में किसी के पास पैरों में पहनने के लिए जूती नहीं थी किंतु इस समय हाथी को लिए हुए महावत खड़े हैं। घर के अंदर कोमल बिस्से पर लेट कर सोचते हैं कि अभी तक कठोर भूमि पर रात बीत जाती थी किंतु इस कोमल बिस्से पर नींद नहीं आ रही है। पहले परिवार के खाने के लिए मोटा चावल भी नहीं मिलता था किंतु आज श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ मिल गया है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। आगे चना गुरु माध्य लये तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीण
ओटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारत भी ने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुलकी ने। का प्रस्तुत काव्यांश किस रचना से जुड़ा है? सुदामा चरित्र। ख सुदामा ने गुरु माता द्वारा दी गई कौन सी खास सामग्री अकेले ही खा लिए थी? चने। गा सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट भेजी थी? चावल। घा सुदामा ने पत्नी द्वारा भेजी भेंट को कहाँ छिपा लिया था? बगल में। अंगा पाछली बानी का अर्थ है चोरी की पुरानी आदत। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। यह एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करना है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।